रिस्क का ध्वजारोहण हुआ, कोई बता दे कोई इतिहासकार या कोई लेखक कि उस समय देश भी थे क्या, भारत देश कई नाम था या भारत की कोई सीमाएं थी? आज का जो इंडिया का मैप लगाते हो, क्या ये मैप था? जब कोई देश नहीं था, सारी दुनिया सबके लिए खुली हुई थी, कोई कहीं जाए कहीं रहे कोई भी काम करे, तो विदेशी कैसे हो गया? और इस देश को जिस हालत में आज देख रहे हैं आप तो सबको पता है कि आज से 300 साल पहले कितनी खेती थी, कितने लोगों की जरूरत थी। आज से 500 साल पहले भी देश की आबादी कुल 11 करोड़ थी, तो 11-12 करोड़ के लिए भी क्या जरूरत थी? जैसे जैसे आबादी विकसित गई, खेती बढ़ती गई, और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, इस देश को, इस झाड़ झंखाड़ के देश को, जंगलों को साफ करके रहने लायक बनाने वाले आप हैं, यूजर हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम बात करते हैं, देश की बात करते हैं, देश का संविधान सब जानते हैं आप, संविधान लागू होने के बाद देश बना, लेकिन देश को आजाद होने से पहले 1857 ही नहीं, हमने संग्राम शुरू कर दिया था 1806 में, देहरादून के खुरबुड़ा में हमने यह लड़ाई लड़ी। हमारे 12,000 गुर्जर शहीद हुए हैं देहरादून में अंग्रेजों से लड़ते हुए 1806 में। 1822 में राजा विजय सिंह ने कुंजा बहादुरपुर में अंग्रेजों को कह दिया कि मैं लगान नहीं दूंगा। 1824 में उनको घेर करके मारा गया अंग्रेजों के द्वारा, पूरी सेना लगाकर। 1857 में बड़े दुख होता है, रोना आता है जब कहते हैं साहब स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी सबसे पहला कौन? मंगल पांडे। 10 मई 1857 को जो आदमी इस दुनिया में ही नहीं था, क्योंकि उसको तो फरवरी 1857 में फांसी दे दी गई थी, जो आदमी इस दुनिया में नहीं था वो स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी कैसे हो सकता है, जरा सा सोचिए, बड़ी सोचनीय विषय है। और फिर मंगल पांडे की देशभक्ति क्या है, आप सबको पता है कि साहब उसको कहा गया कि साहब ये जो आप कारतूस लगा रहे हैं इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो उसने रिवोल्ट किया। मंगल पांडे का जो रिवोल्ट है वो देशभक्ति नहीं है, अगर उस कारतूस में गाय की चर्बी नहीं होती तो उसको भारतीयों पर गोली चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर किसी का स्वतंत्रता संग्राम के लिए कार्य है तो धन सिंह कोतवाल का है, वहां से शुरुआत है, आप लगा लीजिए। आप अभी हमारे दिवाकर जोड़ी जी आज नहीं आए, वो उस पर लगे हुए हैं, हमने स्पेसिफिक टास्क दी है उनको कि आप रिकॉर्डिंग करिए कितने लोगों को फांसी दी गई है। पांचरी में फांसी दी गई, लोहारड़ी में फांसी दी गई, चंद्रावर में फांसी दी गई, जितनी फांसियां दी गई हैं अंग्रेजों के द्वारा उसमें से 80-85% गुर्जरों की, और ये कहते हैं साहब देश इन्होंने आजाद कर दिया। अब देश आजाद कैसे हुआ? 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम एट मिडनाइट में अंग्रेज लिखते हैं कि इंग्लैंड के लंदन शहर में 50% घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था, पैसा न होने की वजह से भूखे नंगे हो गए थे, इसलिए गए देश छोड़ करके, उनके बस का चलाना नहीं था देश। और उससे पहले मूवमेंट किसके हैं? राजा विजय सिंह का आंदोलन, लगान न देने का आंदोलन, विजय सिंह पथिक का आंदोलन, लगान न देने का आंदोलन, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम सिर्फ संविधान उसमें जानते हैं कि साहब देश को इकट्ठा किया, लेकिन बारदौली का आंदोलन, किसान आंदोलन, जिसकी वजह से वो राजनीति में आए। तो ये देश आजाद किसी से नहीं हुआ, ये देश आजाद किसानों की समस्याओं से हुआ है, और आज भी वही परिस्थितियां बनी हुई है। अभी कहते हैं साहब कि उनका तो नाम ही जो है वो किसानों का जय अजीब सा है, कर फसी स्कीम टाको, सही बात है, ऐसे ही नाम होते थे, लेकिन साथियों कनिष्क में दो चीज जुड़ी हुई है, एक कुसाण वंश है, दूसरा सक वंश है।
कनिष्ठ नाम अपने आप में कुषाण और शक को जोड़ करके उन दोनों की संधि करके कनिष्ठ बना है। कुषाण कबीला और शक कबीला दोनों के जुड़ने से कनिष्ठ बना है। और कनिष्ठ के बाप के नाम क्या है? हुविष्क है, वशिष्ठ है, कनिष्ठ टू है। ये अभी अभी तक हम वही पढ़ते रहे जो हमें पढ़ाया गया। अभी आपको सामाजिक अध्ययन अभी आपका शुरू हो रहा है। और मुझे ये विश्वास है कि ये जो युवा पीढ़ी जो इसके अंदर बैठी है, ये निश्चित रूप से नया इतिहास लिखेगी। और वो नया इतिहास ही हमारा भविष्य होगा। ये लोकतंत्र 2 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल के लिए नहीं है। ये हजारों साल आगे आने वाला भविष्य है। आपका भविष्य है, आपका भविष्य था, आपका भविष्य रहेगा। और जहां तक ये बात है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो जाट अलग, राजपूत अलग, यादव अलग, साथियों अगर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, क्योंकि कुषाण और शक के होते एक साथ इकट्ठा आते ही सारा का सारा 1000 साल तक एडी तक 1000 एडी तक 900 ईस्वी से पहले इस देश में जाति शब्द ही नहीं था। बड़ा ताजी होगा आपको, कहीं कोई दिखा दे कहीं जाति लिखा हुआ हो। जाति शब्द सबसे पहले गुजरों के लिए प्रयोग हुआ है, गुजर। और कहा किसने? हमने अपने आप नहीं कहा। प्रतिहार वंश के सबसे बड़े दुश्मन राजकूट, राजकूटों ने गुजरों को गुजर लिखा। प्रतिहारों ने स्वयं आपको अपने आप को गुजर नहीं लिखा। प्रतिहार वंश ने गुजर नहीं लिखा अपने आप को। प्रतिहार वंश समाप्त होने के बाद जो सामंत है उन्होंने गुजर लिखा। लेकिन प्रतिहारों को गुजर किसने लिखा? प्रतिहारों को गुजर राजपूतों ने लिखा। तो बहुत सारे पाठ पढ़ाए जाते हैं, ये वो धर्म सनातन, ये वो सब हिंदू, ये वो सब जो है। प्रतिहारों के सबसे बड़े युद्ध पालवंश से हुए हैं और राजपूतों से हुए हैं। प्रतिहारों का कोई भी सीधा युद्ध जो है अरब आक्रांताओं से नहीं हुआ। उन्होंने तो 1027 के बाद ही खैबर दर्रा पार किया। 1027 ईस्वी के बाद 1035 ईस्वी में हमारा प्रतिहार वंश समाप्त हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। राजाओं ने जो सामंतों ने राज बना लिए अपने। तो थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात मान लो, आप स्वयं पढ़ें, स्वयं अध्ययन करें कि वस्तुस्थिति क्या है, सही क्या है। मैंने आप लोगों के आने से पहले जैसे विधिवत शुरू नहीं हुआ था तब भी मैंने कहा था, आप महाभारत पढ़िए, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, आप कालिदास का रघुवंशम पढ़िए, आपको स्वयं उत्तर मिल जाएंगे। महाभारत में भोजवंश का जिक्र है। भोजवंश किसका? गुजरों का। और वाल्मीकि रामायण में अब कहते हैं साहब लक्ष्मण के वंशज, ये वो, मैं थोड़ा उस विषय में नहीं जाना चाहता, थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में कौशल्या और सुमित्रा की जो दासियां हैं उनको प्रतिहारी लिखा गया है वाल्मीकि रामायण में, मैंने नहीं लिखा। अब उन प्रतिहारी की वंशज हम हैं या वो हमारे वंशज हैं, ये विचारणीय विषय। क्योंकि राजशेखर बहुत बड़ा कवि हुआ है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, वो हमारे महिपाल राजा का जो है मंत्री है, उसने बाल रामायण और बाल भारत नाटक अपने राज दरबार में लिखे और खेले, मंचन किया। मेरे पास वीर पुरी की पुस्तक लिखी है इतिहास की, रिसर्च की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उसने स्पेसिफिकली कहा है कि कोई प्रमाण नहीं है कि प्रतिहार वंश ने राम के लिए या कृष्ण के लिए या इनके किसी मंदिर के लिए एक नया पैसा या एक इंच जमीन कहीं दान में दी हो। कोई ताम पत्र नहीं है, कोई भोज पत्र पर कहीं नहीं लिखा हुआ। शिव के लिए लिया, विष्णु के लिए लिया। और मैं गौरवान्वित हूं कि शिव कुषाणों ने रोहणों ने स्थापित किया, उससे पहले नहीं है। विष्णु गुजरों की रानियों ने बनाया। ब्रह्मा तो आप लोगों ने यही पैदा किया, मैं उसे सही नहीं मानता, ये मेरा व्यक्तिगत है, आप लोग बुरा न मान। तो 8वीं शताब्दी में यही राजस्थान के गुजरों ने ही पैदा किया, उससे पहले उसका किसी इतिहास में कहीं लेखन नहीं है, किसी ग्रंथ में लेखन नहीं। साथियों,
अगर समय की सीमा नहीं है तो हमें ये देखना होगा कि इस भारत में क्या है। इसमें दो सभ्यताएं हैं। अभी तक हम सिर्फ पश्चिम के आक्रमण को ही पढ़ते रहे इतिहास में, हमने पूर्वी आक्रमण को पढ़ा ही नहीं। जो पूर्वी जो हस्तक्षेप है पूर्वी पूरब से, उसको क्यों नहीं पढ़ा हमने? साथियों, यहाँ दो सिविलाइजेशन है, समांतर दो है बिल्कुल, कश्मीर में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, और इवन साउथ में, साउथ का जो पश्चिमी किनारा है समुद्र का, वहां की जो संस्कृति है वो अलग है। ये सब के सब शाकाहारी हैं, और जो पूरब की संस्कृति है जिसमें आपका उड़ीसा है, बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हैं, क्या नाम है आपका जो पूर्वी तट है वो है, वो सब के सब मांसाहारी हैं। गाय खा जाए, भैंस खा जाए, सुअर खा जाए, कुत्ता खा जाए, बिल्ली खा जाए, सांप खा जाए, कोई सीमा ही नहीं है उनकी मांस खाने की। और हमारे यहाँ तो ये अब्बास जी बैठे हैं, ये कहते हैं साहब हम तो मतलब मांस खाना भी होगा तो कसाई से कटवाते हैं, खुद नहीं हमारे बस का काटना। और अभी हमारे कहते हैं साहब गोत्र लेके जाओ, मैं वहां जाता हूँ उत्तराखंड में, गुर्जरों से उनसे भी मिलता हूँ। आज भी गुर्जर जो मुसलमान गुर्जर हैं वो गोत्र का पालन करते हैं, वो गोत्र में शादी नहीं करते, बहन बहू भी वो दूसरे गोत्र की आती है, अगर कोई चेची होगा तो खटाना होगी बहू, वो आज भी गोत्र का पालन करते हैं। ठीक है, परिस्थितियां हैं जो व्यवहार हुए। और जो जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पे मैंने कह दिया, देखिए हमारे यहाँ यौन की स्थिति का, हम बहन को, भांजी को बेटी की तरह ही मानते हैं, बेटी भांजी बहन हमारी एक कैटेगरी में। लेकिन आपको ताजुब होगा, उनके यहाँ बहन की लड़की से शादी करना सबसे शुभ मानते हैं। वो हमारी संस्कृति कैसा हो सकती है? दक्षिण भारत का ब्राह्मण बहन की लड़की से विवाह को सबसे शुभ मानता है, ये सच्चाई है। तो हमारी उनकी संस्कृति कैसे मिल सकती है? फिर भी इसके अलावा चलो वो थोड़ा और लंबा हो, ज्यादा नहीं खींचना चाहता, लेकिन भाषाएं दो, एक खरोस्ती है, आरामी है, उर्दू है, कोरवी है, गोजरी है, और उससे डेवलप नागरी है जो राजस्थान में, गुजरात में, कश्मीर में, पंजाब में आराम से बोली जाती है। दूसरी प्राकृत है, प्राकृत से पाली है, पाली से संस्कृत है, ये अलग भाषा भी है। यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी इतिहास के बैठे होंगे, बहुत सारे पीएचडी भी होंगे, उनको लग रहा होगा कि आज तो ये नया ही काम शुरू कर दिया शेष नारायण पवार ने, लेकिन भाई शुरुआत तो किसी न किसी दिन होगी हो, इसको कितने दिन नहीं रख पाएंगे, ये तो शुरुआत जो सच है वो तो सामने आएगा ही आएगा। हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा राग गुजरों का अलग है, हमारा संगीत अलग है, हमारे राज है, और हमारे अगर जरूरत है भगवान की तो भगवान जी भी हमारे अलग हैं, और किसी की बनाने की जरूरत नहीं। दिक्कत तो नहीं होगी ना? अभी कुषाण वंश है 320 ईस्वी तक रहा, 78 AD से लेकर के